श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंध सातवां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच ते नागराज मामंत्र्य फलभागेन वासुकिं परिवेय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः। आरेभिरेषु संयत्ता अमृतार्थं कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति उद्यत हो खड़े हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 100,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा।
अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के लिए रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे नहीं बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्रमाला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमितिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदा शिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे।
वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपके शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं, इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं। क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महत्तत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है, आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवन, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं, गायत्री आदि छंद आपकी सातु धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन, सद्योजातादि पांच उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर सद्योजात वामदेव और ईशान नामक पांच मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व रज और तम आपके तीन नेत्र हैं। प्रभो, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है।
क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य ही पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं श्मशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपके लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला बिहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में ही है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए।
वह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।